हरे कृष्णा व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं नवनीत आज आप सबके समक्ष एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो हर एक के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। देखिए आज हम बात करेंगे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी डेट्स के ऊपर, लोन्स के ऊपर, और उसमें बताया था कि आपको क्या साइंस हैं जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमें लोन लेना चाहिए कि लोन नहीं लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि इतना लोन चढ़ जाता है और उसको रीपेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। हम सेकंड सिचुएशन इसमें ले रहे हैं जिसमें लोन नहीं लेना चाहिए था, फिर भी आपने लोन ले लिया है और उसकी रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास उपाय के लिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको आपके कुंडली में छठे भाव का सिक्स हाउस को वो एनालाइज करना शुरू करेंगे। वो देखेंगे क्या छठे भाव में कौन से प्लैनेट ऐसे बैठे हैं या छठे भाव का लॉर्डशिप किसके पास है और वो जो लॉर्ड है या जो नक्षत्र है उसमें वो कहाँ पर है। इसकी स्थिति को जानकर फिर वो D10 चार्ट में जाएंगे, वहाँ पे छठे भाव को देखेंगे या जो आपके छठे भाव का मालिक है लगन चार्ट में उसकी स्थिति D10 चार्ट में देखेंगे। ये सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाकर आपको रेमेडीज देंगे और उसके बावजूद भी रेमेडीज काम नहीं करेंगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपके उपाय जितने भी आप छठे भाव के लॉर्ड के जो छठे भाव में प्लैनेट्स बैठे हैं, क्योंकि छठा भाव रोग शोक कर्ज दुश्मनों का होता है तो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर उनके उपाय करवाने लग जाते हैं। आज मैं आपको इसकी जड़ में लेके जाऊंगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन कैसे हो सकता है। मेरे पास रोज बहुत सी कुंडलियां आती हैं जिसमें नेटिव्स कहते हैं कि सर बहुत कर्जा हो चुका है और एक कर्जा उतारने के लिए हम दूसरा कर्जा ले रहे हैं, सर्कल पे सर्कल घुमा रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि एक टोपी पे फिर दूसरी टोपी फिर उसके ऊपर तीसरी टोपी। नीले जी, आपका आज 50,000 का कर्जा है, वो नहीं उतर रहा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं जा रहा, उसका इंटरेस्ट देने के लिए फिर कहीं और से लोन ले रहे हैं, फिर उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं और उधर फिर कर्जा बढ़ रहा है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है जीवन के अंदर। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में आपको 3-4 चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपको ये बात लॉजिकली 100% समझ आने वाली है, आप ये देखें कि आपके कर्जे का सोर्स क्या है, कर्जा कहाँ से आया है, किस रीज़न की वजह से आया है, उस प्लैनेट को देखें आप। फॉर एग्जांपल, अगर आपका होम लोन है जो रीपे नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं घर बनने का, संपत्ति का, स्पेशली जो लैंड आपके लाइफ में आती है उसका जो कारक होता है, सिग्निफिकेटर होता है, वो मंगल होता है। तो आप मंगल के उपाय कीजिए, आपकी घर की पेमेंट जो है वो इजीली रीपे होने लग जाएगी। अगर वो कर्जा किसी रिश्तेदारी के को हेल्प करने में आपका लग गया, आपने किसी ने आपसे मदद मांगी, आपने बड़े अच्छे भाव से आपने उसकी मदद कर दी, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो भाई है, चाहे वो रिश्तेदार है, और आज वो आपके पैसे नहीं लौटा रहा, वो आपको पैसे नहीं दे रहा, उसकी नीयत ख़राब हो चुकी है, उन सर्कमस्टांसिस के अंदर आप देखें कि आपका बुध कहाँ पर प्लेस्ड है। जहाँ पर भी आपका बुध प्लेस्ड होगा वहाँ कोई ना कोई दिक्कत परेशानी ज़रूर होगी और वो कर्जे का कारक बन रहा है। आपको बुध के रेमेडीज़ करनी होगी, जैसे ही आप बुध की रेमेडीज़ करेंगे आपका जो पैसा है वो वापस आने लग जाएगा। अगर आपका पैसा बीमारियों पर जा रहा है कि घर पे बीमारी की वजह से कोई पिताजी बीमार हुए या माताजी या कोई बच्चा या घर पे कोई भी ऐसा बीमार हो गया जिसकी वजह से 8-10-12-15 लाख रुपया कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है, उसकी रीपेमेंट नहीं हो पा रही है, तो आपको राहु देव को देखना है अपनी कुंडली के अंदर कि कहीं राहु की वजह से तो नहीं हुआ है ये सब। और अगर आप राहु की रेमेडीज़ करेंगे तो आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे बनेंगे कि आप अपना कर्जा उतार पाएंगे। कभी कभी क्या है कि बहुत महत्वाकांक्षी होकर हम क्या करते हैं कि एजुकेशन लोन बहुत बड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, फॉरेन लैंड्स पे आपने 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक लोन ले लिया, अब जॉब ऐसी लगी है जिसमें कर्जा नहीं उतर रहा है, कोई परेशानी ऐसी आ रही है, या जॉब पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सी कंट्रीज़ में रिसेशन है, ऐसे सर्कमस्टांसिस में आपको बृहस्पति देव के उपाय करने होंगे।
आप देखेंगे कि बृहस्पति देव के उपाय करते ही आपके इशू रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी लग जाएगी और बृहस्पति देव की वजह से जो कर्जा आपके लाइफ में आया है वो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर कर्जे का कारक आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, देखिए कर्म का जो स्थान है काल पुरुष की कुंडली के अंदर दसवें और ग्यारहवें घर के मालिक शनि देव होते हैं, ये डिपार्टमेंट शनि देव को दिया गया है। आप डेफिनेटली छठा घर छोड़ के 10-12-15 दिन छठे दसवें भाव के जो लॉर्ड हैं या शनि देव के सीधे सीधे उपाय आप करके देखें, आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में प्रगति आने लगी है, आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने लगें, आप हैंडीकैप और बुज़ुर्गों की सेवा करने लगें, आप देखिए आपका बिजनेस कितना अच्छा होने लगेगा। मेरा पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा सा साइंटिफिक वे से सिचुएशन को समझना होगा। देखिए ऋषि पराशर ने एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया, पराशर होरा शास्त्र लिखा, लेकिन उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स पे छोड़ दिया कि अपनी बुद्धि से वो किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। जैसे एक हिंदी की नॉर्मल क ख ग जब हमें नर्सरी में सिखाया जाता है तो उसमें से कुछ लोग तो कवि बन जाते हैं, उन्हीं वर्ड्स को बनाकर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे लेखक बन जाते हैं और कुछ मेयरली पास होते हैं। तो यही डिफरेंस है प्राचरा होरा शास्त्र को पढ़ने का कि आप उसको पढ़कर कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कितने उसमें से रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड्स आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर बनाते हैं, यही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान है। अगर आपके ऊपर एक्स्ट्रा लग्जरीज को लेकर कर्जा चढ़ रहा है, मान लीजिए गाड़ियां बहुत हो गई हैं, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप शुक्र को देखें अपने आपके आसपास जो लेडीज़ काम करती हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको गलत नज़र से मत देखें, अपनी वाइफ की इज्जत करें, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ को सम्मान दें, प्यार दें, बुआ को प्यार दें, ये सब चीज़ों से आपका शुक्र ठीक हो जाता है और आपको लग्जूरियस लाइफ मिलती है और आप इजीली लोन रीपे कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी लोन्स और डेट्स के ऊपर। केवल छठा भाव या कर्म स्थान या अष्टम या बारहवां स्थान आपका जो खर्चे का है उसको देखकर आप कोई निर्णय मत कीजिए, आप निर्णय कीजिए, आप रेमेडीज कीजिए जड़ पकड़कर कि वो कर्जे का सोर्स क्या है, कहाँ से वो कर्जा आया है, जहाँ से वो कर्जा आया होगा उस पर्टिकुलर पेरेंट की आप रेमेडी करेंगे, आपका कर्जा उतर जाएगा, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके शेयर से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है तो उसका श्रेय आपको भी मिलेगा। टिल देन हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।